इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा पोस्ट होगा, पे स्केल क्या होगा, एज लिमिट क्या है, कब से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या फी लगना है, ये कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला आप ये समझिए कि इसमें जितना भी सारा पोस्ट होगा ये सारा पोस्ट आपका ग्रुप सी में है। और इसके बाद सबसे पहला जो पोस्ट है वो है आपका अकाउंटेंट का, जिसमें पे लेवल 25,500 से 81,100 है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ए डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मतलब जो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अगर आप फिल करते हैं तो आपका कॉमर्स से आपका डिग्री होना चाहिए, वो भी यूनिवर्सिटी डिग्री। और इसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स बुक, यानी अकाउंट्स बुक में ना आपका 1 साल का अनुभव होना चाहिए। और इसमें टोटल जो है जनरल कैटेगरी के लिए निकाला गया मात्र 1 सीट है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन आप देखेंगे इसमें भी आपका 1 सीट होगा। इसके अलावा सीनियर मैकेनिक है, इसमें आपका 2 सीट है, जिसमें दोनों आपका जनरल कैटेगरी से है। क्वालिफिकेशन क्या होगा वो जब आप फिल करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड करेंगे। इसके अलावा मशीन माइंडर है, और भी इसमें देखेंगे, मशीन माइंडर में ना आपका 1 ही सीट दिया हुआ है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें 3 सीट है, जिसमें आपका एक एक सीट आपका अलग अलग है, जैसे कि आपका एक OBC है, एक EWS है और एक जनरल कैटेगरी में दिया हुआ है। इसके बाद एक आपका लोअर डिवीजन क्लर्क जो LDC होता है, इसमें आपका 14 सीट है। और इसमें आपका क्या होना चाहिए, 19,900 से 63,200 पे लेवल है। इसमें क्वालिफिकेशन आपका 12 होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ऐसे तो ज़्यादातर बोर्ड ही कराती है और मैक्सिमम लोग इस LDC के लिए ही फॉर्म फिल करते भी हैं, करना भी चाहिए। तो जो LDC है इसमें 12 पास होना चाहिए, और इसी में आपका टाइपिंग इन कंप्यूटर स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट, मतलब कंप्यूटर पर जब आप टाइप करेंगे तो आपका स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, मतलब 35 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 35 वर्ड टाइप करना है। या अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं, ये तो इंग्लिश टाइपिंग है, अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो हिंदी टाइपिंग में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, मतलब 1 मिनट में आपको 30 वर्ड टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद स्टोर कीपर के लिए है, सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए है, जिसमें 2 सीट 3 सीट है। इसके अलावा लाइब्रेरी क्लर्क, इसमें आपका 2 सीट है, और सेंड मॉडलर, ठीक है, इसमें आपका 4 सीट है। इसके बाद आपका कुक 3 सीट है, फीटर जनरल इसमें भी 3 सीट है, मॉड्यूलर आपका इसमें 1 सीट है, यानी टोटल इस तरह से जो है ना अगर आप सीट की संख्या देखेंगे तो टोटल आपका 119 सीट होगा, ठीक है। कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वाचनिस्ट वुड है, इसके अलावा ब्लैक स्मिथ, पेंटर, आपका इंजन आर्टिफिशर, स्टोरमैन टेक्निकल है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS जो है इसमें आपका 2 सीट, और इसके बाद इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा सीट दिया हुआ है, 49 सीट है। इसमें आपका मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी या ITI पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे अलावे लास्ट कर रहे 13 सीट है, टोटल आपका कितना सीट है, 119 सीट है, अच्छा खासा सीट है। इसमें बहुत सारे लोग इसमें फिल कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार आप पोस्ट देख लीजिए कि कौन कौन सा भर सकते हैं। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जो MTS के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर इस टाइप का और भी अलग अलग डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि अलग अलग ट्रेड का अलग अलग जो है पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ नोट्स है जो कि आप पढ़ लेंगे, हालांकि आपको इसमें यह भी बता रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट या वैकेंसीज आर टेंटेटिव, ठीक है, अनुमानित है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन बी कैंसिल्ड या सस्पेंडेड या टर्मिनेटेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड एट एनी स्टेज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी ये कह रहा है ना कि आपका जो ये जो फॉर्म रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये किसी भी कारण से जो है ना ऊपर वाले को जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है किसी भी रीजन से इसको जो है सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी कुछ आपका दिया हुआ है, सब आप रीड कर लीजिएगा। और ये आपका ऑनलाइन का तरीका दिया है कि कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और एज लिमिट क्या होना चाहिए। एज लिमिट आपका यहां पर देखिए लिखा हुआ 18 से 30 साल होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी 18 से 25 होना चाहिए, ठीक है। यानी जो जनरल कैटेगरी है उसका एज कितना होना चाहिए, 18 से 25, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोड़ के CMD यानी जो ऑर्डिनरी ग्रेड होता है उन सबको छोड़ के, ठीक ना।
मतलब कुछ कुछ ग्रेड में दिया है, ठीक है। और लास्ट डेट आपका इसका कब तक है, तो लास्ट डेट है आपका 25 फरवरी 2023। यानी कुछ चीज़ हम यहाँ पे डिक्लेयर अच्छा से कर दे रहे हैं। इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट जो होगा वो 4 फरवरी से होगा, ठीक है, 4 फरवरी से। और इसके बाद ये कब तक होगा, तो 25 फरवरी तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 25 फरवरी इसका लास्ट डेट है। 25 फरवरी क्या है इसका लास्ट डेट है। एज लिमिट 18 से 25 साल है, और कुछ कंडीशन में जो है ना मैक्सिमम एज लिमिट फॉर सीएमडी के लिए जो है ना कितना कर दिया, 30 साल कर दिया, 30 इयर्स। और टोटल कितना सीट है, 119 सीट है। तो जब इस फॉर्म को आप फिल करेंगे एक बार अच्छा से नोटिफिकेशन देखिएगा, और इसके बाद आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार उस पोस्ट को चूज कीजिएगा और तब ऑनलाइन कीजिएगा। उम्मीद है इस वीडियो में आपको इंडियन आर्मी के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया इसमें आपको समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।